पिछले क्लास में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे थे। ध्यान रखना कि एक कायरल सेंटर के अब और सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशन होता है, दो ही प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमेशा आपस में मिरर इमेज होता है। एक कायरल सेंटर के अबाउट सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशन एंड बोथ कॉन्फ़िगरेशन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार के होते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लोग एक एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर हर कायरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे मॉलिक्यूल में तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट, और जब एक पूरे मॉलिक्यूल का एक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में और वो दूसरा मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड होता है, जब हम लोग एक मॉलिक्यूल का पूरा मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के पहले हम लोग एक दो चीज फिशर प्रोजेक्शन के बारे में देख लेते हैं यहीं पर। जैसे कार्बन के साथ ये बॉन्ड मान लो ए है, इधर है बी, ये गया नीचे डी और ये नीचे गया ई। एक्चुअली यही फिशर प्रोजेक्शन होता है। फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग क्या देखते कि वर्टिकल लाइन वाला चला गया बिलो द प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रहा अबव द प्लेन। तो इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन, जैसे इसका अगर हम लोग ड्रॉ कर दें साइमल्टेनियसली कि डी और ई डाल दिए वर्टिकल लाइन में, ए और बी डाल दिए हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ऐसे कुछ समझ सकते हैं आप। वर्टिकल लाइन वाला बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला अबव द प्लेन। तो ये जैसा दिख रहा है उसको मैंने डैश वेज में भी साइमल्टेनियसली बना दिया है। जो बिलो द प्लेन गया उसको डैश में, जो अबव द प्लेन है वो वेज में रखे। बात समझ में आ रहा सबको? अब हम क्या कर रहे हैं कि इस फिशर को भी घुमाएंगे साथ ही साथ मॉलिक्यूल को भी घुमाएंगे। मान लो हम इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से घुमाए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऑन द प्लेन, प्लेन पे ही घुमाओ, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसे ऐसे घुमाना है। बात समझ में आ रहा? उस प्लेन पे ही घुमाना है 90 डिग्री से। तो अगर इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से अगर घुमाओगे तो ए आ जाएगा नीचे, ऑब्वियसली। प्लेन पे घुमा रहे हो तो जो बॉन्ड अबव द प्लेन है वो तो अबव ही रहेगा, जो बिलो द प्लेन है वो बिलो ही रहेगा। यहां आ जाएगा ई, यहां चला जाएगा बी और यहां आ जाएगा डी, इसे घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने पर। अगर हम साथ ही साथ 90 डिग्री से अगर इस फिशर को भी अगर घुमाएं तो ये फिशर को अगर हम लोग घुमा रहे हैं तो आ जाएगा ए इधर, ई, बी और डी, 90 डिग्री रोटेटेड ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन अगर रोटेट किए। क्या ये दोनों सेम चीज है? क्या फिशर का घुमाना और मॉलिक्यूल का घुमाना सेम है? देखो, अगर हमको इसका मीनिंग अगर ये मिलता तो हम बोलते दोनों आइडेंटिकल। क्या इसका मीनिंग ये कहता है? इसका मीनिंग ये कह रहा है कि बी और ए जो है वो बिलो द प्लेन चला गया, ई और डी अबव द प्लेन चला गया, यहां तो ई और डी अभी भी बिलो द प्लेन है। That means when the fissure is rotated by 90 degree, then the molecule changes. The molecule changes. इसका यह मतलब हुआ कि E और D है above the plane, इसका मतलब है E और D है below the plane, they are not same. If they are not same, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो यही मॉलिक्यूल है, लेकिन ये फिशर और ये फिशर क्या हो गए? अलग अलग, दे आर डिफरेंट। अगर हम बोले कि एक नंबर दो नंबर, वन एंड टू, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम फिर से इसे 90 डिग्री से अगर घुमाए, फिर से 90 डिग्री से अगर घुमाए तो ई आ जाएगा अबव, इसके जगह आ जाएगा ए, इसके जगह आ जाएगा डी और यहां पहुंच जाएगा बी। फिर से इस फिशर को अगर हम 90 डिग्री अगेन घुमाए क्लॉकवाइज ऑन द प्लेन तो ये फिशर भी बन जाएगा कुछ ऐसा, ई डी ए बी। नाउ ये फिशर और ये फिशर का मीनिंग सेम है कि नहीं? अब फिशर, ये फिशर का और ये रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग सेम है कि नहीं? यस, दैट मीन देखो ये मॉलिक्यूल तो वही मॉलिक्यूल है हर जगह, लेकिन ये फिशर वही फिशर हर जगह नहीं है। यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर 90 डिग्री से अगर किसी फिशर को घुमा दोगे तो मॉलिक्यूल चेंज कर जाता है, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है और हमें पता है कि एक ही कायरल सेंटर वाला सिर्फ दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टू डिफरेंट फॉर्म।
अगर इन दोनों को तुम अलग अलग बोल रहे हो मतलब डेफिनेटली दे आर मिरर इमेज ऑफ इच अदर, आई विल प्रूव इट। ये दोनों मिरर इमेज हैं, हम प्रूव करेंगे इसे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं और हमें पता है कि एक कार्ल सेंटर वाला से दो ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है और वो दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं। लेकिन पहला और तीसरा क्या हुआ, वन एंड थ्री आर आइडेंटिकल, क्योंकि वन भी उसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री भी उसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स वन एंड थ्री आर आइडेंटिकल। यस और नो, कॉपी करो और एक सेंटेंस लिखाएंगे जल्दी, या यहीं पे लिख लेना कि व्हेन द फिशर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री ऑन द सेम प्लेन देन द मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम आइडेंटिकल। So when the fissure is rotated by 90 degree on the same plane, it changes. When the fissure is rotated by 180 degree completely on the same plane, it remains same. The configuration remains same. Molecule remain same. इससे यही प्रूफ होता है ना? चलो, हमारा पहला फिशर प्रोजेक्शन कौन सा था? पहला फिशर प्रोजेक्शन था D E A B. ठीक, ये पहला था, एक नंबर। Suppose आप ग्रुप को काइरल सेंटर के अबाउट एक्सचेंज कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू द एक्सचेंज ऑफ द ग्रुप पोजीशन अबाउट अ काइरल सेंटर। एक काइरल सेंटर के अबाउट आप किसी भी दो ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और उसका पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे ए ई, ए इधर लिख दो, ई इधर लिख दो, या ए इधर लिख दो, बी को इधर लिख दो। कोई दो ग्रुप को ले लो और कोई दो ग्रुप को लेकर उसका पोजीशन को क्या कर दो, इंटरचेंज। मान लो ये करना तुम्हारे लिए अलाउड है, तुमको एक से दो बनाना है ग्रुप का एक्सचेंज करके, एक से दो बनाना है ग्रुप का एक्सचेंज करके, तो देखो कितने एक्सचेंज आ रहे हैं। हमें ई चाहिए लेफ्ट में और डी चाहिए राइट में, ठीक। अब ई लेफ्ट में चाहिए तो ऑब्वियसली हम बी और ई में एक एक्सचेंज करेंगे। सपोज वन एक्सचेंज इज मेड, इट विल बिकम लाइक दिस, ई बी डी ए, एक एक्सचेंज हो गया। कितना एक्सचेंज काउंट करेंगे, वन एक्सचेंज। हमें चाहिए डी राइट में, हमें दो बनाना है, समझ में आ रहा है, डी चाहिए राइट में, डी अगर चाहिए राइट में तो डी और ए के बीच में एक एक्सचेंज कर दो। एक एक्सचेंज करते ही ई और बी जैसे था वैसे ही रहेगा, डी यहां आ गया, ए यहां आ गया, हो गया दो एक्सचेंज। अब हमें चाहिए दो नंबर में बी ऊपर और ए नीचे, बी ऊपर और ए नीचे, तो बी और ए में एक और एक्सचेंज कर दो, वन मोर एक्सचेंज सच दैट बी ऊपर ए ई डी, तब जाकर ये सेकंड वाला फिशर बन रहा है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज वी हैव डन, थ्री, दैट इज ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। और हमें पता है कि एक और दो क्या है, डिफरेंट है, हमें पता है कि एक और दो क्या है, डिफरेंट है। तो यहीं से हम लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि व्हेनेवर द नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स मेड About a chiral center is odd, then the configuration or the molecule changes. When the number of exchanges made about the chiral center, आप हमेशा group को exchange कर सकते हो, एकदम free to do that. लेकिन अगर आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया, एक किया, तीन किया, पांच किया एक्सचेंज, तो हमेशा वो काइरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उस काइरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। और वही अगर हम तुमको मान लो बोलते कि अरे एक नंबर से तीन नंबर पे आओ एक्सचेंज, ग्रुप का एक्सचेंज करते हुए, एक से तीन,
यही एक था, डी ऊपर था, ई नीचे था, ए और बी, ये एक नंबर था। अब मुझे जाना है तीन नंबर तक, हमें ए चाहिए लेफ्ट में, बी चाहिए राइट में, ओके, ए और बी में एक एक्सचेंज कर दिए, ऐसे वन एक्सचेंज, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, डी और ई अभी भी वैसे ही है। अब तीन नंबर में मुझे ई ऊपर चाहिए, डी नीचे चाहिए, तो हम लोग डी और ई में एक एक्सचेंज कर देंगे, वन मोर एक्सचेंज विल गिव मी ई डी, और ए भी जैसे था वैसे ही। तो एक से तीन नंबर आने में, फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म आने में हाउ मेनी एक्सचेंज वी हैव डन, टू, दैट इज इवन। सो कंक्लूजन इज व्हेनेवर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मेड इज इवन देन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द काइरल सेंटर रिमेन्स सेम, द मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। अब ध्यान रखना, हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में दो या तीन काइरल सेंटर है, तो ऐसा कभी मत करना कि एक काइरल सेंटर में एक एक्सचेंज, फिर दूसरे काइरल में भी एक एक्सचेंज और बोल दिया कि इवन हो गया सर तो मॉलिक्यूल सेम है। नहीं, एक पर्टिकुलर काइरल सेंटर को पकड़ो और वहीं पे इवन करोगे तो सेम रहेगा, वहां ऑड अगर कर दिए तो वहां पर चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब जैसे यहां पर था डी और ई, डी और ई और ए और बी, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एक और दो आपस में मिरर इमेज है, एक और दो आपस में मिरर इमेज है। ई और ए में मान लो हम एक एक्सचेंज किए, ई और ए में, एक मिनट, इसका मिरर इमेज प्रूफ करना है ना, मिरर इमेज, मिरर लगाया तो कैसा दिखेगा, ये ए बी डी और डी और ई, सिंपल सा बात है यार, कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल में मात्र एक एक्सचेंज करूं, यहां एक एक्सचेंज करोगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, या यहां पर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करो, इवन नंबर, तो ये वही रहेगा जो है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर सेकंड वाले स्ट्रक्चर में मैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दूं तो ये मॉलिक्यूल जो हम दो नंबर बनाए हैं ये वही रहेगा ना। तो जैसे देख, ए और ई में मान लिया हम एक्सचेंज कर दिए, ए इधर आ गया, ई इधर आ गया, एक की एक्सचेंज, एक और करते हैं मान लो बी और डी में कर दिए, डी इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो ये फॉर्म वही है जो पहले था, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब देखो एक और दो आपस में क्या दिख रहे हैं, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसीलिए हम लोग बोले थे कि सेकंड वाला जो है वो पहले के बराबर नहीं है, सेकंड वाला जो है वो पहले के बराबर नहीं है, मतलब सेकंड वाला डिफरेंट मॉलिक्यूल है, सेकंड वाला इनेंशियोमर है, सेकंड वाला डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। इज दिस क्लियर? तो हम लोग यहां पे दो तीन चीज देख रहे हैं। पहला चीज कि अगर फिशर को 90 डिग्री से रोटेट करोगे ऑन द सेम प्लेन देन द मॉलिक्यूल चेंजेस, इफ द फिशर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री नो इफेक्ट, नो इफेक्ट अबाउट अ पर्टिकुलर काइरल सेंटर, एक काइरल सेंटर के अबाउट अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर करते हो तो मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मॉलिक्यूल वही रहेगा जो पहले था, और अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर कर दोगे तो ये मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, या यू बोलो कि उस काइरल सेंटर के अबाउट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा अगर आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करो। बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जैसे मान लो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, ये एक काइरल सेंटर है, चारों कलर अलग अलग है, मतलब कि ये कार्बन क्या है, काइरल कार्बन है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ी देर के लिए याद रखो कि व्हाइट पीछे है, पर्पल को हम पकड़ रखे ऊपर, ग्रीन जो है तुम्हारे लेफ्ट में है, ग्रीन तुम्हारे लेफ्ट में और रेड तुम्हारे राइट में। अगर मान लो हम तुमसे बोले कह रहे पर्पल और व्हाइट में एक एक्सचेंज कर दिए, यही काम कर रहे थे ना, पर्पल और व्हाइट में एक एक्सचेंज कर दिए, तो क्या ये मॉलिक्यूल वही है जो पहले था? नहीं है। लेकिन क्यों, हम अगर कंपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं तो फिर से हम पर्पल को पकड़े और व्हाइट को पीछे किए, तब तुम देख रहे हो कि लाल वाला जो तुम्हारे राइट में था वो लेफ्ट में आ गया है। बात समझ में आ रहा है? चेंज हुआ ना एक एक्सचेंज करने से, एक एक्सचेंज करने से
ये वो मॉलिक्यूल अब नहीं रहा जो पहले था, अब ये मॉलिक्यूल वो है जो पहले वाले का मिरर इमेज है, पहले वाले का मिरर इमेज। अगर देख यहां पे अगर हम लोग मिरर रखते इसका, तो इमेज वही मिलता जो पहले था। बात समझ में आ रही? एक एक्सचेंज, मान लो कोई और एक एक्सचेंज कर दिए, मान लो रेड और पर्पल के बीच में एक और एक्सचेंज कर दिए। टिल नाउ वी हैव मेड टू एक्सचेंजेस, और वो अगर हम लोग फिर से कोशिश करेंगे अगर देखने का, पर्पल वाले को पकड़े व्हाइट पीछे, फिर वही बन जाएगा जहां से हम शुरू किए थे, कॉन्फ़िगरेशन वही आ गया। बात समझ में आ रहा? तो ये कायरल सेंटर पे चार अलग अलग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, तो वेन एवर वी मेक अ इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज देन द कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम अबाउट द कायरल सेंटर, एंड इफ यू मेक अ ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देन द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ये बात समझ में आ रहा? ये बहुत ही स्ट्रांग टूल है बेटा, क्योंकि अगर आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, दो दो फिशर प्रोजेक्शन दे देगा, मान ले तीन तीन कायरल सेंटर वाला दो फिशर दे दिया और बोला कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तुमको पता करना पड़ेगा कि हो ना हो ये दोनों आइडेंटिकल है, हो ना हो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये करना पड़ेगा ना। बहुत रैंडम तरीका से ग्रुप उसमें अरेंज होगा, तो आप दोनों को लगभग बराबर फॉर्म में लाओगे, कैसे, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके। जैसे ही दोनों को सिमिलर फॉर्म में लाओगे तुमको मिरर इमेज दिख जाएगा, तुमको हो सकता है दिख जाए कि नहीं मिरर इमेज नहीं है, आपस में स्टीरियो आइसोमर है तो डायस्टीरियोमर हो गया। बराबर लाने का कोशिश में हो सकता है तुमको दिख जाए कि अरे दोनों तो आइडेंटिकल है, नहीं तो तुमको बार बार सहर्स बना बना के घुमा के देखना पड़ेगा ना यार, उसमें समय जाता है। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर कुरा के दोनों फिशर को लगभग सेम फॉर्म में लेके आए और कंपेयर कर लिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग हर कायरल सेंटर के अबाउट बताते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार का होता है, एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर के अबाउट सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एंड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। वन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड आर, अनदर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एस। आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस एंड एस स्टैंड फॉर सिनिस्टर। खैर ये फुल फॉर्म में कोई मतलब नहीं, आर कब बोलेंगे एस कब बोलेंगे ये जानना जरूरी है। खैर एक और बात यहीं पे नोट कर लेना कि सीआईपी प्रायोरिटी जो हम लोग जीआई में पढ़े थे, आर का प्रायोरिटी एस से ज्यादा होता है। सीआईपी प्रायोरिटी में आर कॉन्फ़िगरेशन का प्रायोरिटी एस से ज्यादा होता है। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास से बताए थे कि एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल सिर्फ दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता, तो वो दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आर होगा और दूसरा वाला फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना कि आर का मिरर इमेज एस या एस का मिरर इमेज आर, आर का मिरर इमेज एस होता है या एस का मिरर इमेज हमेशा आर होता है। पर्टिकुलर कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन, हम ये मॉलिक्यूल का नहीं बता रहे, मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर कायरल सेंटर है वहां पर कॉन्फ़िगरेशन या तो आर होगा या तो एस होगा। दो ही तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कायरल सेंटर का, बोल एंड बोथ कॉन्फ़िगरेशन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नाउ रूल टू असाइन आर एस, पहला रूल असाइन प्रायोरिटी टू ऑल द फोर ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर पर चार ग्रुप लगे होंगे अलग अलग, उन चारों ग्रुप का प्रायोरिटी आपको लगाना है, कैसे, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल जो हम लोग जीआई में पढ़े थे वही अभी भी है, कोई अलग चीज नहीं है। अब चार ग्रुप होगा तो प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी थ्री, प्रायोरिटी फोर। एक नंबर वाला प्रायोरिटी हाईएस्ट और चार नंबर वाला प्रायोरिटी लोएस्ट। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को एक नंबर देना और लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को चार नंबर मिलेगा। दूसरा स्टेप कहता है कि व्यू द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट
द लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम यू। मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से देखिए कि चौथा नंबर प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपसे दूर हो जाए। समझ में आ रहा? अपने से दूर करना है, अपने व्यू से दूर करना है। अपने से चौथे को दूर करने के बाद सामने आपको तीन दिखेगा। चौथा चला गया ना, तो चौथे को भूल जाओ। उसके बाद मूव फ्रॉम वन टू 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 थ्री, एक से दो, दो से तीन मूव करो। इफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज इट विल बी, आर इफ मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज इट इज एस। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, लेकिन रूल का जानकारी आपको होना है कि आर और एस बेसिकली कैसे बताया जाता है। तो हम लोग शॉर्टकट डेवलप करके रखे हैं, बहुत आसान होता है, इतना करने का जरूरत भी नहीं है, वो शॉर्टकट हम आपको बताएंगे। लेकिन रूल क्या कहता है कि जैसे ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर से चार ग्रुप लगे हुए हैं, चारों को प्रायोरिटी लगाओ। एक जरूर इनमें से होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, एक नंबर, फिर लोअर एंड देन लोएस्ट। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चारों को प्रायोरिटी लगा दी। हाईएस्ट प्रायोरिटी एक नंबर, लोएस्ट प्रायोरिटी चार नंबर। मान लो कि ये लाल वाले को मिला चार नंबर प्रायोरिटी, समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल को कैसे देखना है? ऐसे मान लो हम देख रहे हैं, तो लाल वाले को अपने से दूर रखे। बात समझ में आ रहा है? व्यू द मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम यू। तो ऐसे मॉलिक्यूल को देखना है। उसके बाद इस चौथे को भूल जाओ। सामने तुमको क्या दिखेगा? एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। यहीं पे आपको आंख घुमाना है। जैसे मान ले एक से दो, दो से तीन, तो एक से दो, दो से तीन कैसा मूवमेंट हुआ? क्लॉकवाइज। तो आर, और बाय चांस ऐसा निकलता एक से दो, दो से तीन ऐसा निकलता, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो इतना रूल कहता है। हेडिंग डालो, डैश वेज फ्रॉम, सॉरी, आर एस फ्रॉम डैश वेज डायग्राम। आर एंड एस फ्रॉम डैश वेज डायग्राम, बहुत ही सिंपल सा चीज है। आर एंड एस फ्रॉम डैश वेज डायग्राम। मान ले कार्बन पे ए लगा है, बी लगा है और डी लगा है, ई लगा है, यही डैश वेज डायग्राम हो गया। हम चारों ग्रुप का प्रायोरिटी लगाए। मान लो इसको एक नंबर मिला, इसको दो नंबर मिला, इसको तीन नंबर मिला, इसको चार नंबर मिला। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस मॉलिक्यूल में तुमसे जो बॉन्ड दूर है वो कौन सा है? ऑब्वियसली डैश। डैश इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मी। हमसे जो सबसे दूर है जो बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड है? डैश है। समझ में आ रहा है? इस पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अगर ये डैश हमसे दूर है, यही तीन बॉन्ड हमारे तरफ होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये तो बिलो द प्लेन चला गया ना। तो क्या करो, डू द इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज सच दैट द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप गोज टू द डैश। चौथे नंबर वाले प्रायोरिटी को आप डैश पे भेज दें। कैसे भेजना है? इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके, ताकि कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का चेंज ना हो। डू द इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज टू सेंड द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द डैश। जैसे बिफोर E2 में एक एक्सचेंज, एक और करना है, तुम्हारा चॉइस, कोई भी एक कर दो। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम इसे किए तो अब इसे ही करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। D1 और E2 हो गया दो एक्सचेंज, ये मॉलिक्यूल वही है जो पहले था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि चौथा वाला प्रायोरिटी वाला ग्रुप किधर चला गया? डैश पे। ये ऑटोमेटिक हमसे दूर हो गया, इसको भूल जाओ। एक से दो, दो से तीन यहीं पे घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज दिखा, एस। वेरी सिंपल।
अगर चौथा प्रायोरिटी वाला ग्रुप पहले से ही डैश पे है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको आपको डैश पे भेजना है बाय डूइंग द इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा? अब देख, ये पूरे ग्रुप को मिटा के बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। तुम खुद ही सोचो कि ए बी डी ई ऐसे हम दिए थे, ए का प्रायोरिटी 3 नंबर था, ई का प्रायोरिटी 2 नंबर, बी का प्रायोरिटी 4 नंबर और डी का प्रायोरिटी 1 नंबर। जब आपने प्रायोरिटी लगा दिया तो फिर ग्रुप से क्या मतलब है, खुद सोच के देखो। जब आपने प्रायोरिटी लगा दिया तो फिर ग्रुप से क्या मतलब रह गया? हम तो सिर्फ नंबर को ही देख रहे हैं, उसके बाद भी एक से दो, दो से तीन ही तो जाना है चौथे को भेजकर। तो बार बार ग्रुप को रब करके डैश पे भेजने का जरूरत नहीं है, आप नंबर को ही इधर उधर कीजिए। नंबर चौथा नंबर को ही, जैसे मान लो यहां पर था ए बी डी और ई, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल को वैसे ही रहने दे। मान ले कि दो और चार में एक्सचेंज हो गया, चार इधर आ गया, दो इधर आ गया, हम नंबर को एक्सचेंज किए, ये एक एक्सचेंज हुआ, एक और एक्सचेंज करना है, एक और दो में कर दिए, एक इधर दो इधर आ गया, यहीं पे एक से दो, दो से तीन देख लिए एस। ग्रुप को भेजना मतलब ऐसा थोड़ी कि बार बार ग्रुप को रब कर करके या तुम बार बार डैश वैश डायग्राम बना रहे हो। एक बार जब प्रायोरिटी लग गया तो तुमको सिर्फ नंबर से ही तो मतलब है, तो नंबर को आप इधर उधर कीजिए और आर एस बताइए। चलो ठीक है, असाइन आर एस टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। Assign RS to the following molecules. पहले में प्रायोरिटी लगाना, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन और ये सिंपली हाइड्रोजन। सीआईपी रूल याद है सबको? अब उसके बाद मुझे चौथे वाले को कहां भेजना है? डैश पे भेजना है, डैश पे। चार और एक में एक एक्सचेंज, देखो हम कैसे कर रहे हैं, नंबर को ही, क्योंकि हम नंबर को ही अब देखेंगे। और एक और कोई भी एक्सचेंज कर देना, मान लो दो और तीन में एक एक्सचेंज, दो इधर आ गया, तीन ऊपर चला गया। उसके बाद एक से दो, दो से तीन का मूवमेंट की, ये एस फॉर्म है। सबका एस आया? सिमिलरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और कार्बन के बाद हाइड्रोजन, ऑलरेडी चौथा नंबर डैश पे, कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक से दो, दो से तीन एस, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन और ये सिंपली हाइड्रोजन। चौथे को भेजना है डैश पे, चार और एक में एक एक्सचेंज,
चौथा इधर, एक इधर, मान लो एक और तीन में एक और एक्सचेंज, क्योंकि हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करना है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो कम से कम दो, ऑब्वियसली हर बार ही दो। अब हम लोग मूवमेंट करेंगे एक से दो, दो से तीन, ये भी ऐसे निकला, क्या बात है, सारे ही ऐसे निकल गए। अगले में कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, बेंजीन और मिथाइल में मिथाइल एक से दो, दो से तीन, चौथा वाला पहले से ही डैश में पड़ा हुआ है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी एस, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, देखो ऐसा रूल इसलिए बना है कि जैसे मान ले ये डैश वेज डायग्राम, ये चला गया ना बॉन्ड पीछे, है कि नहीं है, तो हम मॉलिक्यूल को बिल्कुल वैसे ही रखे हैं, हम देखो अगर ये बोर्ड के पीछे है तो हम यहीं से तो देखेंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, मॉलिक्यूल को जरा सा ऐसे कर देना है बस, बिल्कुल ये पीछे हो गया और ये तीनों तुम्हारे सामने आ गया, समझ में आ रहा है, तो ग्रुप को भेज के डैश पे हम लोग सीधे एक दो तीन देख के आरएस बता रहे हैं, इसके पीछे यही कारण है कि डैश वाला पहले से ही पीछे और जरा सा ऐसे कर देंगे तो मॉलिक्यूल का ये तीनों सामने आ जाएगा, तो सीधे देख के हम लोग बता दे रहे हैं भाई, क्लियर है ना, इसलिए ऐसा रूल बना। हाँ अगला भाई, पहले यहां बताना है, एक नंबर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद सीएल, दो नंबर किसे दिए, दो नंबर हम इस पूरे ग्रुप का प्रायोरिटी, ये चौथा ग्रुप है इस कायरल सेंटर के लिए, समझ में आ रहा है, और इसे पड़ेगा तीन नंबर, ये पड़ा चार नंबर, चौथे को डैश में भेजना है, चार और एक में एक एक्सचेंज, फोर वन एक और एक्सचेंज, मान लो दो और तीन में कर दिए, दो इधर तीन इधर, तो यहां पर हम लोग चौथे को भेज दिए, एक से दो, दो से तीन, यहां पर है आर, सारे नंबर को फिर रब कर लो। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे चार ग्रुप कौन कौन सा है, अरे यार तो सेम हो गया, चलो हम चेंज कर देते हैं, CH2Cl थोड़ा चेंज कर दिए, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है तो सिर्फ एक ही आरएस बताते, अगर दोनों मिथाइल होता तो हम यहां आरएस बताते ही नहीं, क्योंकि आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कायरल सेंटर के लिए होता है, प्रायोरिटी लगाना है, एक नंबर सीएल, दूसरा कार्बन के बाद सीएल, तीसरा कार्बन के बाद ऑक्सीजन, और चौथा ये मिथाइल, मिथाइल पहले से ही अंदर है, समझ में आ रहा, चौथा पहले से, तो एक से दो, दो से तीन, ये भी निकला आर। अब ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल को हम लोग IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, कार्बन चेन का नंबरिंग, ऑब्वियसली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक दो तीन चार, समझ आ रहा है, और इसके नाम के ठीक आगे लिखेंगे 2R, 3R ब्रैकेट में, और उसके बाद इसका IUPAC नाम लिख देंगे, तो ब्रैकेट में जो ये 2R, 3R या 2S, 3S जो लिखा रहता है वो ये बताया हुआ होता है कि IUPAC के हिसाब से कौन से नंबर कार्बन पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ रहा, यहां पर भी RS, यहां भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, सीएल ऊपर है तो H नीचे है, मिथाइल ऊपर है तो H नीचे, जैसे जैसे ओपन चेन में कर रहे हैं वैसा यहां पर भी हम लोग करेंगे, मान लो ये कार्बन है, प्रायोरिटी लगाना है भाई, सबसे ऊपर प्रायोरिटी सीएल को, दूसरा ग्रुप कौन सा है, कार्बन के बाद कार्बन, ऐसे सोचो ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन वाले का प्रायोरिटी कम और 3 डिग्री वाले का प्रायोरिटी ज्यादा, और ये हो गया चौथा, क्लियर, अल्टीमेटली एक से दो, दो से तीन, इस कार्बन पे क्या आया, आर फॉर्म आया। सिमिलरली हम दूसरे वाले कायरल सेंटर पे जाएंगे, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर पे मुझे प्रायोरिटी लगाना है, मिथाइल H, ये दो अलग अलग ग्रुप, ये CH2 और कार्बन के बाद CL, तो ऑब्वियसली एक नंबर इस पूरे ग्रुप को मिलेगा, दो नंबर इसे मिलेगा कार्बन के बाद कार्बन, तीन नंबर मिलेगा मिथाइल को,
कार्बन के बाद सिर्फ हाइड्रोजन, और चौथा नंबर मिलेगा हाइड्रोजन को, चौथा पहले से ही डैश पे है, एक से दो, दो से तीन, एस। आईयूपीएसी के हिसाब से फिर इसका नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, एक नंबर मिथाइल को देते कि एक नंबर क्लोरो वाले को देते, तो क्लोरो और मिथाइल में सी पहले आता है, इसलिए 1 2, समझ में आ रहा, दिस मॉलिक्यूल इज 1R, 2S, और उसके बाद हम लोग लिख देते इसका नाम 1-chloro-2-methyl-cyclohexane। क्लियर है? डैश वेज फ्रॉम, सॉरी, आर एंड एस फ्रॉम फिशर। बहुत ही सिंपल, फिशर में हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर बिलो द प्लेन, वर्टिकल लाइन्स आर अबव द प्लेन, तो जो बॉन्ड बिलो द प्लेन है वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर है। चार ग्रुप अगर लगा हुआ है, ए बी डी ई, प्रायोरिटी असाइन यहां भी करना है, मान लो प्रायोरिटी असाइन कर लिए 1, 2, 3 और 4, अगर चौथा प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आ गया, चाहे ऊपर या नीचे, कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधे 1 से 2, 2 से 3 कर लो। इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कम्स ऑन द वर्टिकल लाइन, डायरेक्टली सी 1 से 2, 2 से 3 एंड से द आंसर। जैसे चौथा वाला वर्टिकल लाइन पे आ गया, चाहे नीचे आया या ऊपर आता, वर्टिकल लाइन पे अगर आ गया तो चौथे वाले को भूल जाओ, 1 से 2, 2 से 3 यहां सीधे मूव करो और बोलो आर, ये बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कम्स ऑन द वर्टिकल लाइन, तो 1 से 2, 2 से 3 सीधे देख के आर और एस बताया जाता है। इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कम्स ऑन द वर्टिकल लाइन, डायरेक्टली से आर एंड एस, डायरेक्टली से मतलब सीधे 1 से 2, 2 से 3 देखिए और आर एस बताइए। जैसे मान लो असाइन किए प्रायोरिटी, तो चौथा नंबर यहां आ गया, मान लो 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता, कोई बात नहीं, चौथा अभी भी वर्टिकल लाइन पे, सीधे 1 से 2, 2 से 3 मूव किए, कैसा मूवमेंट हुआ, क्लॉकवाइज, ये भी आर है। तो ऑब्वियसली अगर वो वर्टिकल लाइन पे नहीं आया तो दो तरीका है, या तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके उसको वर्टिकल लाइन पे लाएंगे, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके चौथे वाले को वर्टिकल लाइन पे लाया जाएगा, उसके बाद आरएस बताया जाएगा, या डायरेक्ट बोलो, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि ये अबव द प्लेन है, चौथा वाला मेरे तरफ है, मेरे तरफ है, अगर चौथा वाला मेरे तरफ है तो रूल कहता है कि बोर्ड के पीछे से जाके देख, यही रूल कह रहा है ना, तभी तो चौथा वाला दूर दिखेगा, बोर्ड के पीछे से जाकर देखो, अरे मेरे को जो सामने से दिखेगा उसका उल्टा दिखेगा बोर्ड के पीछे, जो सामने से मेरे को जो डायरेक्शन दिखेगा बोर्ड के पीछे से क्या दिखेगा, उल्टा। यहीं पे 1 से 2, 2 से 3 कैसा दिख रहा है, सामने से कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से कैसा दिखेगा, जो दिख रहा है उसका उल्टा आंसर आर। यही तो केमिस्ट्री है, देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया चीज है, कुछ है ही नहीं, आप तो लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, इसमें भी मिस्टेक करोगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, आने तो देखना टेस्ट में आर एस ये सब आएगा ना, इसमें भी मिस्टेक करते हैं। तो अगर चौथा वाला ग्रुप, चौथा प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, व्हाटएवर यू सी राइट द ऑपोजिट। चलो आर एस बताइए फिशर से,
बस इतनी काफी, कहीं इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। असाइन आर एंड एस, पहले वाले में एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार नंबर हॉरिजॉन्टल पे, एक से दो, दो से तीन, कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज आर। दूसरा एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चौथा फिर से हॉरिजॉन्टल पे आया, एक से दो, दो से तीन, दिख रहा है क्लॉकवाइज, दिख रहा है क्लॉकवाइज, लिखेंगे उल्टा एस। और मैं यही आपको बस बताना चाह रहा था कि देख आर का मिरर इमेज हमेशा एस होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ना ये आपस में इनेंशियोमर है, एक कायरल सेंटर वाला मात्र दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दे आर मिरर इमेज, आर का मिरर इमेज हमेशा एस या एस का मिरर इमेज हमेशा आर, और एस का प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है। आर का मतलब प्लस नहीं होता है, प्लस माने डेक्स्ट्रो, माइनस मतलब लीवो, आर एंड एस डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ प्लस एंड माइनस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। आर मे बी पॉजिटिव, आर मे बी नेगेटिव, लेकिन इतना जरूर है कि आर नेगेटिव वाले का मिरर इमेज एस पॉजिटिव आना निश्चित है, आर नेगेटिव वाले का मिरर इमेज एस पॉजिटिव आना निश्चित है, क्योंकि R का मिरर इमेज हमेशा S होता है और प्लस का मिरर इमेज हमेशा माइनस होता है। ये बात समझ में आ रहा? रैंडमली मैंने एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाया उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई तीसरा कॉन्फ़िगरेशन बनाया, इसीलिए तो कॉन्फ़िगरेशन आया था यार, स्टडी हम लोग क्यों कर रहे कॉन्फ़िगरेशन का, कि ये और ये क्या तीन अलग अलग है एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, एक ही कायरल सेंटर वाले का? चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एवरीथिंग इज सेम। नाउ एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक से दो, दो से तीन, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लिखेंगे क्लॉकवाइज, मतलब ये जो तीसरा जो मैंने बनाया वो पहले के बराबर है, ये कोई तीसरा डिफरेंट नहीं है। इज दिस क्लियर? द थर्ड वन इज नॉट अ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, क्लियर? और आर एस एक बहुत ही स्ट्रांग टूल है, मान लो तुमको हम ऐसे दे देते मॉलिक्यूल और ऐसे दे देते मॉलिक्यूल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो आर एस से ही बताओगे यार कि आइडेंटिकल है कि इनेंशियोमर है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगला एक एक करके, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इसे तीन नंबर हम क्यों दिए? क्योंकि कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन है। अब देख हम यहां पे कुछ नंबर उम्बर नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन, कार्बन के बाद दो ऑक्सीजन, यहां दो ऑक्सीजन दिख रहा है सबको? किसे नहीं दिख रहा है? किसे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है? कार्बन के बाद दो ऑक्सीजन, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो एक से दो, दो से तीन, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा, लिखेंगे यहां पे क्लॉकवाइज, पहला ऊपर वाला आर सबका आ रहा है। सिमिलरली गो टू द सेकंड कायरल सेंटर, ओके, प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी वन। अब ये और ये कार्बन को देखो, ये तो चौथा नंबर है, ये और ये कार्बन को गौर से देखो, तो कार्बन के बाद OH, कार्बन के बाद OH सेम है, कार्बन के बाद CHO और कार्बन के बाद मिथाइल, इसलिए ऊपर वाले का प्रायोरिटी हो जाएगा दो नंबर, एक, दो, तीन, चार, क्लियर? एक से दो, दो से तीन दिखा क्लॉकवाइज, वी विल राइट एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये S हो गया। एंड द लास्ट वन, प्रायोरिटी वन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन दो, तीन, एक से दो, दो से तीन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, लिखेंगे क्लॉकवाइज, इट इज आर, क्योंकि हर केस में चौथा वाला हॉरिजॉन्टल पे आया है, अगर चौथा वाला वर्टिकल पे आएगा तो जो है वही लिखना है, उल्टा नहीं लिखना है, हॉरिजॉन्टल पे उल्टा लिखना है। क्लियर है सबको? अब इसमें तो नंबरिंग कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, तो इस मॉलिक्यूल के आगे लिखते हैं 2R, 3S, 4R, और उसके बाद फिर हम लोग इसका
आईयूपीएससी का नाम लिख दे। अगला सवाल भी कुछ नहीं है, बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि वी शुड राइट 2R 3S और 2S 3R, क्योंकि नंबरिंग ऊपर से और नीचे से सेम हो गया। बात समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि फिशर प्रोजेक्शन दिया है और उसमें फिशर प्रोजेक्शन दे दिया और ब्रैकेट में चार ऑप्शन दे दिया ऐसा वाला, तो अरे यार इसमें 1 2 3 4 या 1 2 3 4 आइडेंटिकल हो गया ना। तो वेन एवर द नंबरिंग इज आइडेंटिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बाय डिफॉल्ट द नंबरिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम टॉप ऑफ द फिशर। जब फिशर में नंबरिंग ऊपर से और नीचे से आइडेंटिकल हो जाए तो बाय डिफॉल्ट हमेशा नंबरिंग ऊपर से नीचे की जाती है। हमें बताना होगा कि 2 नंबर कार्बन पे क्या और 3 नंबर कार्बन पे क्या। 2 नंबर कार्बन पे 1 2 3 कार्बन के बाद 1 ऑक्सीजन, कार्बन के बाद 3 ऑक्सीजन, 4, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लिखेंगे R। और चूंकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर वाला पार्ट का ये मिरर इमेज है तो ये S होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस काइरल सेंटर, दिस इज ऑल्सो अ काइरल सेंटर विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे आर मिरर इमेज। तो एक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन S होना ही होना है, क्योंकि आपस में मिरर इमेज है। और इसीलिए हम लोग बोले थे कि मीजो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आर कॉन्फ़िगरेशन वाला का जो रोटेशन है वो S कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। तो हम लोग इसका लिखेंगे 2R, 3S, दिस इज करेक्ट। क्लियर? हाँ बिल्कुल। ऊपर S होता या कुछ भी होता, IUPAC के हिसाब से जब नंबरिंग दोनों तरफ से सेम हो गया तो बाय डिफॉल्ट वी विल डू द नंबरिंग फ्रॉम द टॉप ऑलवेज। अगर यहां भी S होता तो 2S, 3S लिख देते। खैर 2S, 3S का यह मतलब नहीं है कि सर नीचे से भी करो तो 2S, 3S, ऊपर से भी करो तो 2S, 3S, ऐसे मत समझना। नंबरिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द टॉप इफ द नंबरिंग बिकम्स आइडेंटिकल। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबरिंग करना पड़ जाए नीचे से, कोई दिक्कत नहीं। मान लो फिशर ऐसे दिए होते, मान लो फिशर हम ऐसे दिए और बोले कि चलो बताओ भाई RS बताओ, निकालेंगे 1 नंबर 2 नंबर 1 2 3 क्लॉकवाइज, ये S, 1 2 3 ये भी S निकल रहा, हटा OHH कर दी, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, अभी हो गया R। क्लियर है? अब इसमें नंबरिंग करना है तो हम तो IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करेंगे भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO है तो यहां पे नंबरिंग कैसे होगा। अब हम इसको बोलेंगे 2S, 3R है, ये IUPAC के हिसाब से ही नंबरिंग करना है, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का नंबरिंग आइडेंटिकल हो जाए तब बाय डिफॉल्ट हमेशा ऊपर से नीचे नंबरिंग की जाए। क्लियर एवरीवन? हम लोग यहां पर ये जो आपस में मिरर इमेज दिख रहा है ना, ये R फॉर्म था, कोई भी एक एक्सचेंज कर दो वो S हो जाएगा। एक कायरल सेंटर के बहुत कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला, R। एनी वन एक्सचेंज ऑफ एनी टू ग्रुप्स, कोई भी एक एक्सचेंज कर दो वो S में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? और अगर उसमें आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे तो R ही रहेगा। यही मतलब था इवन और ऑड का। अब देखिए, जब हम लोग काइरल सेंटर का नंबर काउंट कर रहे थे ना तो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल को हटा दिया था। अब वो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं CH3, CHOH, 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 CH3। काउंट द टोटल नंबर ऑफ काइरल सेंटर इन द मॉलिक्यूल। सवाल है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ काइरल सेंटर इन द मॉलिक्यूल। ओके, नो डाउट दिस इज 100% काइरल, कोई डाउट ही नहीं। HOH मिथाइल और ये बन गया इसका चौथा ग्रुप। नो डाउट ये भी काइरल सेंटर है, इसके भी चारों ग्रुप बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अगर हम बीच वाला कार्बन का बारे में बात करें, H और OH तो अलग अलग है,
लेकिन अगल बगल वाला ग्रुप जो मेरे को दिख रहा है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, विल इट बी कॉल्ड एज अ कायरल सेंटर? यस। क्यों? क्योंकि अगर इस ये काइरल है और ये काइरल है, एक आर में रहा और दूसरा एस में रहा, तो आर और एस फॉर्म आइडेंटिकल नहीं होते। समझ में आ रहा बात? अगर एक आर रहा और दूसरा एस रहा तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे और उस केस में ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव करने लगेगा, और अगर आर आर हुआ तो ये वाला कार्बन कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। डेफिनेशन लिखो आगे। इसे हम लोग कायरल सेंटर बोलेंगे, एंड सच काइंड ऑफ कायरल सेंटर इज कॉल्ड सूडो कायरल सेंटर। पहले तो नोट करो कि इफ एनी sp3 सेंटर, इफ एनी sp3 सेंटर आइदर गेन्स और लूजेस काइरैलिटी, if any sp3 center either gains or loses chirality, either gains or loses chirality because of one exchange made in any group, because of one exchange made in any group, then that center is called pseudo chiral center, PSEU, pseudo chiral center। मेरे एक एक्सचेंज करने से किसी एक सेंटर पे काइरैलिटी आ जाता है या काइरैलिटी लॉस हो जाता है तो उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सूडो काइरल सेंटर। जैसे यहां पर मान के चल कि अगर मान ले बोले हम एच और OH, बाकी दो ग्रुप यहां पर लगे हुए थे, यहां पर दो ग्रुप लगे हुए थे, मान ले मिथाइल एक एच और ये है OH, मान लो यहां पर एक कार्बन है मिथाइल एच OH, ठीक है, हमें चेक करना है। ये तो कायरल सेंटर है नो डाउट, ये भी कायरल सेंटर है नो डाउट, मुझे इसके बारे में बताना है अभी। तो ऑब्वियसली एक नंबर दो नंबर, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, एक दो तीन, चौथा तो पहले से ही डैश पे है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक से दो, दो से तीन गए, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहां एस है फिलहाल, और यहां पर हम लोग देखेंगे तो यार ठीक है मिरर इमेज है तो आ रही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रूफ कर दे रहे हैं। एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर हाइड्रोजन, एक से दो, दो से तीन जा रहे हैं, क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहां पर क्या है, अगर ये एस है और ये आर है तो डेफिनेटली ये भी कायरल सेंटर है। लेकिन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, डेफिनेशन कहता है कि किसी भी ग्रुप में एक एक्सचेंज करते ही अगर कायरैलिटी का लॉस हो जाए या गेन हो जाए, ऑब्वियस ही बात है, मान ले यहां पर एच और OH में मैं एक एक्सचेंज कर दूं तो क्या ये कायरल सेंटर रह जाएगा? नहीं, क्योंकि एक एक्सचेंज करते ही ये भी एस बन जाएगा और एस रहा तो ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा। क्लियर? फिर हम एक एक्सचेंज कर देंगे तो फिर वापस इसकी कायरैलिटी आ जाएगी। अगर एक एक्सचेंज करने से एक सेंटर की कायरैलिटी वापस आती है या लॉस हो जाती है, सच काइंड ऑफ सेंटर इज कॉल्ड सूडो कायरल सेंटर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सूडो कायरल सेंटर इज ऑल्सो काउंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। सूडो काइरल सेंटर इज ऑल्सो काउंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ काइरल सेंटर। अगर कोई मेरे से बोलता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना है, तो हम बोलते हैं कि इसमें तीन टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। क्लियर है? सूडो कायरल सेंटर का चक्कर समझ में आ रहा? अब जैसे ये भी सूडो कायरल सेंटर है, जैसे मालूम तुमसे बोले CH3CH डबल बॉन्डेड CH, HOH CH डबल बॉन्डेड CH CH3, बताओ क्या ये sp3 कार्बन कायरल सेंटर है? sp3 एच और OH अलग, इधर देख रहे और इधर देख रहे तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
लेकिन हमें पता है कि अगर ई हुआ और ये जेड हुआ तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और उस केस में इसे कारल सेंटर लेना ही है। अगर ये ई है और ये जेड है, अगर जेड वाले में एक एक्सचेंज मार दें तो ये जेड ई में चेंज हो जाए। अरे समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? मान लो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्डेड सी और यहां पे एच कार्बन, कुछ ऐसे ही बनेगा ना, एच डबल बॉन्डेड सी एच सी कुछ ऐसा। मान लो ये ई फॉर्म, सॉरी ये जेड है, ये वाला ई है, अगर हम एक एक्सचेंज भी अगर कर देते हैं तो फिर इसकी कैरलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, या एक एक्सचेंज करते ही कैरलिटी क्या आ जाएगी। ऐसे सेंटर ऑफ हम लोग सूडो कैरल सेंटर कहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैरल सेंटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज हियर वन, वन बोलेंगे, वन कैरल सेंटर है इसमें। क्लियर है? चलो ठीक है, अब इसी पे बेस्ड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगले क्लास में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स।